उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिस्ट्री शीटर अपराधी ने महिला को चुनावी रंजिश के चलते सरेआम कपड़े फाड़कर जानलेवा हमला किया। महिला पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला प्रत्याशी साधना निषाद ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर हिस्ट्री शीटर बीरबल गुजराती व उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंपापुरवा का पूरा मामला है। गंगाघाट थाना क्षेत्र में चर्चित रहा हिस्ट्री शीटर बीरबल गुजराती दबंगई व पैसों के दम पर भूमाफिया बीरबल गुजराती ने अनेकों सरकारी व गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा कर अरबों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसको जिला प्रशासन ने कार्यवाही करके खाली कराया। हिस्ट्री शीटर बीरबल गुजराती अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर गंगाघाट थाना क्षेत्र में अपनी गुंडई और दबंगई के दम पर कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने जन शिकायतों को संज्ञान में लेकर कई जमीनों को कब्जा मुक्त कराया। क्या नाम है आपका? साधना निषाद। समझे, आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला ये है कि 4 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव पोलिंग हुई थी, जिसमें कि हम चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय से, जिसमें विवाद हुआ बीरबल गुजराती से। बीरबल गुजराती जो हिस्ट्री सीटर भूमाफिया, वो हर बार हर चुनाव में आके हमको परेशान करता है, हमारे पति को और हमको, जबकि पूरी मारपीट की वारदात उसी के साथ हुई, उसी ने किया और हमारे सभी लोगों को, हमको भी बहुत चोटें आई। मतलब जिस तरीके से हमको उसने बेइज्जत किया, हमारा ब्लाउज भी फाड़ दिया, जबकि हमको बाल पकड़ के बुरी नीयत से गिरा दिया, और वो हमको बार बार टॉर्चर कर रहा, पूरे क्षेत्र में परेशान कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जान से मरवा देंगे। आज आप एडिशनल एसपी से मिली हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन दिया है कि आप परेशान मत होइए, जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। क्या प्रार्थना? गंगाघाट क्षेत्र में जिस दिन मतदान था, उस दिन कुछ दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस मामले में एक पक्ष से FIR दर्ज है। आज दूसरे पक्ष के लोग आए थे यहाँ पर, उनकी बात को सुनकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच उपरांत जो बात पाई जाएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।